कहानी रामेश्वर नाम के एक व्यक्ति की है जो अपने जीवन में काफी सफल हो चुका है। एक दिन वो अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, आज जो कुछ मेरे पास है, मैं जिस सफलता की बुलंदियों को पा चुका हूँ, वो सब आपके प्यार की और ममता की ही देन है। इसलिए माँ, आपने जो प्यार किया है उसका कुछ ऋण मैं चुकाना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैंने अपनी संतान के लिए निभाया। लेकिन रामेश्वर बार बार जिद करने लगा। वो कैसे भी करके अपनी माँ के ऋण चुकाना चाहता था। वो अपनी माँ की एक ना सुन रहा था। आखिर परेशान होकर माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे बगल में वैसे सोओगे जैसे बचपन में सोया करते थे? रामेश्वर को ये बात बड़ी आसान लगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है माँ, आज रात मैं आपके बगल में ही सोऊंगा। उस रात रामेश्वर माँ के बगल में वैसे ही सोया जैसे बचपन में सोता था। अचानक उठकर माँ ने एक मग में पानी लाया और जिस जगह पर वो सोई थी वहाँ डाल दिया। पानी फैलते हुए अब रामेश्वर की तरफ चला गया। पानी की नमी से रामेश्वर परेशानी महसूस करने लगा। वो दूसरी तरफ खिसक गया। अब माँ ने उस और पानी डाल दिया। पानी की नमी से अब वो सो ही नहीं पा रहा था। वो नींद से उठ गया और माँ के हाथ में पानी का मग देखकर गुस्से से बोला, आप ये क्या कर रही हो माँ, मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीले बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? माँ मुस्कुराई। बेटा, जब तुम बचपन में मेरे बगल में सोते थे तो तुम भी ऐसे ही बिस्तर गीला कर देते थे और फिर मैं तुम्हें दूसरी तरफ करके खुद वहाँ पे सो जाया करती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो ना, तो क्या तुम एक रात के लिए इस गीले बिस्तर पर नहीं सो सकते? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरे ममता का कर्ज चुका दिया है। माँ की बातों ने रामेश्वर की आंखें खोल दी। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है कि मेरी खुशी के लिए आपने न जाने कितनी रातें ऐसे ही गवा दी है। मैं उस कर्ज को कैसे चुका सकता हूँ माँ? अब रामेश्वर अपने किए पर शर्मिंदा था और उसकी माँ ने उसके लिए उठाए कष्टों के प्रति कृतज्ञ भी। मनीष और सुषमा बहुत खुश हुए जब उनके घर बेटी पैदा हुई। उन्होंने सारे गांव को दावत पे बुलाया। मनीष एक दर्जी था जो गांव में बहुत ही मशहूर था। अरे मनीष, मुझे अपने साले की शादी में जाना है, मेरे लिए एकदम अच्छा सा सूट सिला दो, क्यों नहीं सेठ जी? मनीष के काम से सारे गांव वाले खुश थे। मनीष की पत्नी सुषमा भी उसका हाथ बटाया करती थी और ज्यादातर औरतों के कपड़े सुषमा ही सिलाया करती थी। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। लेकिन अचानक एक दिन मनीष का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो वही चल बसा। सुषमा अब अकेली रह गई थी। सुषमा ने कपड़े सिलने का काम जारी रखा जिससे उसका घर चल रहा था। अब वो सिर्फ औरतों के ही कपड़े सिल रही थी जिससे मुश्किल से उनका गुजारा होता था। इस बात को 12 साल बीत चुके थे और सुषमा अभी भी सिलाई का काम ही करती थी। उसकी बेटी स्वरा अब बड़ी हो रही थी। माँ, मुझे भी सोने की बाली चाहिए। विद्या के पापा ने उसके लिए नई बाली खरीदी। तुम मेरे लिए सोने की बाली कब खरीदोगी? स्वरा, तुम तो जानती हो कि मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे स्कूल का खर्चा जोड़ती हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें सोने की बाली कैसे खरीद के दूँ? स्वरा माँ से रूठ कर रोया करती थी। कुछ दिनों बाद एक बार फिर स्वरा घर मुंह फुला के आई। क्या हुआ स्वरा? कुछ नहीं। सुषमा स्वरा के पास गई। अब कौन सी बात तुम्हें सता रही है? क्यों हम ही गरीब हैं? क्यों मेरे पापा नहीं हैं? क्यों माँ, क्यों? क्योंकि ये सब भगवान की मर्जी है। क्यों भगवान मेरे साथ ही ये सब कर रहे हैं? लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओगी? आज मेरे सभी दोस्तों के पास अपनी अपनी साइकिल है, एक मैं ही हूँ जो स्कूल पैदल जाती हूँ। मेरे सभी दोस्तों को कुछ न कुछ तोहफा मिलता ही रहता है और एक मैं हूँ जिसके पास ढंग के कपड़े और चप्पल तक नहीं है। स्वरा बेटा, तुम तो रहने ही दो माँ, जब देखो वही बोलती हो, हम गरीब है गरीब है वगैरह वगैरह। ऐसा बोलकर स्वरा तमतमाते हुए घर से बाहर निकल गई। वो सीधे मंदिर जा पहुंची। गणपति जी, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। क्यों मैं गरीब हूँ? क्यों मेरे पापा जिंदा नहीं है? क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिलता? क्यों मेरे पास ही साइकिल नहीं है? क्यों मुझे कोई तोहफा नहीं देता? स्वरा की इतनी सारी शिकायतें सुनकर गणपति प्रकट हुए। स्वरा, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्योंकि यही नियति थी। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? और माँ, वो तो मेरी एक बात नहीं मानती। उनके पास इतने पैसे हैं, फिर भी मुझे कुछ दिलवाती ही नहीं है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ
कि अब से जब भी तुम्हारी माँ रोएगी तो उनके आंसू हीरे बन जाएंगे जिसे बेचकर तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। लेकिन याद रखना, अगर इसके बाद कभी तुम रोई तो ये सब खत्म हो जाएगा और तुम वापस पहले जैसे गरीब हो जाओगी। स्वरा ने गणपति जी को प्रणाम किया, वो वहाँ से चली गई। स्वरा घर आई और उसने अपनी माँ से उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। आपकी, सिर्फ आपकी वजह से मैं गरीब हूँ, आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर उसकी माँ रोने लगी और उसके आंसू हीरों में बदलने लगे। स्वरा ने सारे हीरे जमा कर लिए। इन हीरों को बेचकर स्वरा और उसकी माँ अमीर हो गई। अब से जब भी स्वरा को पैसों की जरूरत होती वो माँ को रुलाया करती थी। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गए। अब स्वरा 17 साल की खूबसूरत युवती थी। उसे महंगे गहने और कपड़ों का शौक था, इसीलिए अब वो अपनी माँ को अक्सर रुलाया करती थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत बहुत खराब हुई। स्वरा यहाँ आओ। माँ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। सिर्फ 2 मिनट बेटा। हाँ माँ बोलो। मुझे लगता नहीं कि मैं अब और ज्यादा जी पाऊंगी, लेकिन तुम्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है। तुम मेरे और तुम्हारे पापा की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। तुम्हें पालने के लिए मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मैं नाकाम रही। लेकिन स्वरा बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बार जब सुषमा रोई तब उसकी आंखों से 2 लाल हीरे निकले। स्वरा ने जब वो हीरे उठाए और उन्हें देखा तो उसमें उसे अपने बचपन की यादें दिखी। उसके पैदा होने की खुशी, उसके पापा की मौत, उसके माँ की रात रात भर की मेहनत, ये सब देखकर स्वरा भावुक हो गई और वो रोने लगी। स्वरा के रोने से सब कुछ पहले की तरह बदल गया। स्वरा वापस 12 साल की बन गई। स्वरा ने अपनी माँ को गले लगाया। माँ, अब मैं तुम्हें वापस कभी नहीं रुलाऊंगी। तुम्हारे आंसू किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती हैं। मैं अब से कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे माफ कर दो माँ। हाँ, पर किस लिए? सुषमा को याद ही नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन स्वरा को सब कुछ याद था।